अभी परसों नरसों मैंने एक मैसेज पढ़ा, आपको जानकर हैरत होगी, एक इस्लामी मुल्क का मैसेज। एक रेस्टोरेंट है जो शबाब पर चल रही है, शबाब पर चल रही थी मैं होटल। किसी मुसलमान ने सोचा कि मैं भी इसके बाजू में अपनी होटल खोल लूं तो मेरी भी होटल शबाब में चलेगी। इस नीयत से उसने होटल खरीद ली, एक जगह खरीद ली उसने और वह होटल चालू करने का प्लान बनाया। जब उसने होटल की तैयारी शुरू कर दी तो जिसकी शबाब पर होटल चल रही थी उसने दूसरे ही दिन होटल बंद कर ली, दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी का भला चाहे। अब पड़ोस में मेरा भाई होटल खोल रहा है, मैं उसका भला चाहते हुए अपनी होटल आज से बंद कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم। काबिले कद्र उलमाए ज़वील एहतराम, सादाते किराम, हाज़िरीनो नाज़िरीने सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आजे करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूजात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दयारे मोहब्बत में सुन्नी दावत इस्लामी के इस अजीम शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में अल्लाह आपकी हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुझसे पेशतर मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब, उनसे पेशतर हुजूर सिराजुल फुकहा हजरत मौलाना जाबिर मिसबाही साहब, इन सब के खिताबात और
बलफुजात आपने समाप्त फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं और मैं चाहूंगा कि हम अपनी शक्ल कुरान में देखने की कोशिश करें। आईने तो बहुत सारे हैं, एक आईना तो हमारे घर में हर जगह नजर आता है, एक नहीं कई आईने नजर आते हैं। बाथरूम में जाएं तो एक आईना नजर आता है, बेडरूम में आईना नजर आता है, हॉल में नजर आता है, कबर्ड में नजर आता है, हर जगह आईने लगे हुए हैं और उन आईनों में हम अपनी शक्ल और अपने वजूद को देखकर कभी अफसरदा होते हैं, कभी खुश होते हैं। अगर किसी जवान के चेहरे पर फूंसी निकली है, किसी का चेहरा थोड़ा सिया हो गया है, किसी का रंग फीका पड़ गया है, किसी के चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, तो आईने में देखने के बाद अफसरदा हो जाता है। और अगर कोई आईने में देखने के बाद चेहरा खिला हुआ देखता है, रंग उजला देखता है, लिबास खूबसूरत देखता है, तो खुशी से मचल जाता है कि मैं बड़ा हैंडसम लग रहा हूं, आज तो मैं ही मैं नजर आऊंगा। अल्लाह वाले भी आईने में देखते थे लेकिन उनका आईना कुरान था। वो अपने आप को कुरान में देखते थे कि हम क्या हैं। मेरा ये तारीखी जुमला जिंदगी पर जहन में महफूज कर लीजिए, उजले रंग वाला यानी खूबसूरत अगर कोई है तो वो आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत है तो वो दिल को अच्छा लगता है। पूरी जिंदगी में इस वक्त कोशिश की जा रही है, हर मंडी हर बिजनेसमैन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर कोशिश कर रहे हैं वहां के लोग, ताजिर लोग, तो चेहरे को, जाहिर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सूफिया इकराम बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है तो दिल को खूबसूरत बनाने की तरफ। इसलिए कि जाहिर को इंसान देखता है और दिल को खुदा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल यंजुरु इला कुलुबिकुम। अब आइए हम समझते हैं कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इरशाद फरमाया, लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल फरमाई, इसमें तुम्हारी नामवरी है, क्या फिर भी तुम अक्ल नहीं रखते। हमारी पोजीशन ये है कि हम कुरान को सवाब के लिए कई खत्म की नीयत से पढ़ लेते हैं कि हम हफ्ते में एक खत्म कर रहे हैं, रोज एक मंजिल पढ़ रहे हैं, और माह रमजान शरीफ करीब है तो कंपटीशन होता है, ऐलान होता है, माशाल्लाह इन्होंने 7 कुरान खत्म किए, इन्होंने 8 कुरान खत्म किए, और कोई खत्म करने वाला कहता है मैंने आज इतने खत्म कर लिए, ये होता है। लेकिन अल्लाह वाले कुरान को सिर्फ सवाब कमाने की एक किताब नहीं समझते थे, बल्कि कुरान के इस फॉर्मूले पर इन हादल कुरान यहदी लिल्लती अकवाम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, तो वो कुरान से रास्ता तलाश करते थे। और एक पैगाम मैं आपको दे दूं, चूंकि माह रजब शुरू हो चुका, खत्म की तरफ बढ़ रहा है,
माह रमजान में इस चीज की फिक्र न करना कि कितने कुरान आप खत्म कर रहे हैं, बल्कि इस चीज की फिक्र करना कितना कुरान आप समझ रहे हैं। अगर एक कुरान शरीफ भी आपने खत्म किया तर्जमे के साथ, कंजुल ईमान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपका रब आपसे क्या कह रहा है और आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं। तो आइए मैं समझाता हुआ चलूं कि हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु के बार ताबईन में से हैं और हजरत मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम के खास शागिर्दों में से हैं। पढ़ रहे थे कुरान और कुरान की तिलावत में इस आयत पर पहुंचे, लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, कांप गए, लरस गए और दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या कुरान में मेरा जिक्र भी मौजूद है? तो जब ये ख्याल पैदा हुआ कि जरा मैं तलाश तो करूं कि कुरान में मैं कहां हूं, और इतने जलाली थे हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला कि उनके मुतालिक फरमाया गया कि जब वो जलाल में आते तो ऐसा लगता जैसे 100 तलवारें चमक रही थी, इतने जलाली थे वो। तो जब हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला ने इस आयत करीमा की तिलावत की, उसके बाद उन्होंने सोचा चलो मैं कुरान में खुद को तलाश करता हूं। इस नीयत से कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, एक आयत नजरों से गुजरी, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपनी रात सजदे में और क़ियाम में गुजार देते हैं, आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु बरवरदे मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम माहिर कुरान, और रोते हुए कहने लगे इस आयत में तो मेरा जिक्र है ही नहीं, इसलिए कि यहां तो कहा गया कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के बरगुजीदा बंदों का जिक्र मौजूद है और वो जिक्र ये है और उनकी आदत का तस्किरा कुरान ये कर रहा है कि वो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, रोते रोते कहते हैं या अल्लाह मैं तो कभी आराम भी करता हूँ कभी जगता भी हूँ, मैं तो पूरी रात सजदे और क़याम में नहीं गुजारता। उसके बाद कहते हैं चलो यहाँ तो मेरा जिक्र नहीं है, अब और आगे बढ़ते हैं। आज हमारी सिचुएशन ये है, बमुश्किल की तमाम पंच वक्त नमाज पढ़ने के बाद या अगर 7 दिनों में कुरान शरीफ खत्म करते हैं या तकबीर उला के पाबंद हैं, अच्छी चीज है, लेकिन इस पर हम समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह वाले कुरान के अंदर आला लोगों को तलाश करते थे और उनकी आदतों को, तो इतने बड़े ताबई होने के बावजूद कहते हैं वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा के अंदर मेरा जिक्र नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं। हमारा हाल यह है कि हम कुछ ना हो फिर भी समझते हैं कि बहुत कुछ है, और अल्लाह वाले बहुत कुछ होकर भी समझते थे कि हम कुछ भी नहीं। हमारी रातें पता नहीं कैसी गुजरती हैं, हमारे दिन पता नहीं कैसे गुजरते। कभी आपको कोई रात ऐसी भी याद है जिसमें आप बिस्तर को छोड़ करके उठे हों
गुनाह ने आपको लर्जा दिया हो, कपकपी तारी हो गई हो और मुसल्ला बिछा करके रो रो कर सजदे को, सजदे के अंदर मुसल्ले को तर कर दिए हो और अल्लाह की बारगाह में दुआ किए हो कि मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा, कोई रात ऐसी याद है। बल्कि आज के मुसलमान की रात की पोजीशन ये है कि वो फज्र की नमाज के लिए बेदार होना भी अपने लिए बोझ तसव्वुर करता है, सोचता है मैं कैसे उठूं। हजरत अहनब बिन कैस रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला इस आयत करीमा की तिलावत के बाद जब महसूस करते हैं कि यहां मैं नहीं हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तिलावत करते करते पहुंचते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ। जब ये आयत करीमा पढ़ते हैं फिर लरज जाते हैं कि मैं तो अपने पहलू को बिस्तर से छोड़ता ही नहीं और अल्लाह वालों की शान ये होती है कि वो अपने पहलुओं को बिस्तर पर नहीं लगते, बिस्तर पर करवट नहीं लिया करते, वो तो मुसल्ले पर नमाज की लज्जत का मजा लिया करते थे। वहां भी उन्होंने कहा यहां मेरा जिक्र मौजूद नहीं, मैं इसमें अपने आप को नहीं पाता। ऐसा नहीं था कि हजरत अहनब बिन कैस आबिद नहीं थे, ऐसा नहीं कि हजरत अहनब बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन रात को नमाज नहीं पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हजरत अहनब बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन कि शब जब सजदों में नहीं गुजरती थी। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता है कसरत इबादत के बावजूद भी खुद को आबिद के अंदर शुमार नहीं फरमाते थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं यहां भी मैं नहीं हूं, चलो और आगे बढ़ू, कहां हूं मैं जरा देखूं तो सही। फिर एक आयत नजरों से गुजरती है والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون। लरस जाते हैं। अब यहां से हम समझिएगा, वो लोग जो बेहयाई और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं, रोए खूब रोए कि अल्लाह के नेक बंदों की खासियत ये होती है कि वो कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं, फवाहिश और बेहयाई से भी बचते हैं और गुस्सा आता है तो माफ भी कर देते, मैं तो इसमें नहीं हूं। तो क्या माज अल्लाह हजरत अहनब बिन कैस गुनाहे कबीरा करते थे? नहीं। मकाम बुलंद हो तो सोच भी बुलंद होती है, इसको जहन में रखिएगा। हमारे नजदीक जो कबीरा गुनाह है वो अलग है और अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह कुछ अलग होते हैं। अब आइए मैं बताऊं कि अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह क्या होते हैं। जिंदगी भर ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह ये होता है कि अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रख ली जाए तो वो समझते हैं ये कबीरा गुनाह। वो अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि दुनिया वालों को बता दो मेरे महबूब तुम मुझे कितना चाहते हो, तो कहा इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना ये उनके नजदीक कबीरा गुनाह होता है। यहां एक वाकया सुनाओ तो आपको समझ में आएगा। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। और उस दौर के औलिया हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत पूछने के लिए गए। क्योंकि बड़ी आबिदा थी, बड़ी जाहिदा थी, पहुंचे तबीयत पूछने के लिए। माई कैसी तबीयत है? बुखार आ गया था। तो जवाब में ये नहीं कहती कि बुखार है, फरमाती थी मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया, मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। तो वो औलिया किराम कहने लगे, माई अगर तुझसे खुदा नाराज है तो फिर हमारी क्या हैसियत है? नहीं बस मुझसे मेरा खुदा नाराज हो गया। तो एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके पूछ लिया, माई अगर तू कह रही है खुदा तुझसे नाराज है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा मौला तुझसे नाराज है? जवाब सुनिए। फरमाती है, मैं आज कुरान पढ़ रही थी और कुरान की तिलावत करते करते जन्नत का तस्किरा आ गया तो बस दिल में एक जन्नत की तड़प पैदा हुई और थोड़ी सी मोहब्बत, जन्नत कितनी अच्छी है, काश कि मिल जाए। तो गैब से आवाज आती है, राबिया मुझसे मोहब्बत का दावा और जन्नत की तलब। दावा कर रही हो मुझसे मोहब्बत का और जन्नत की तलब। ऊंचा मकाम हो तो फिर ऊंचा मामला भी हुआ करता है। जन्नत की तलब की दुआ तो हदीस में मौजूद है, कोई गलत काम नहीं था। लेकिन जब स्टेटस ऊंचा हो, दर्जा ऊंचा हो तो सोच भी ऊंची हुआ करती है और फिर उसके हिसाब से रहना भी पड़ता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि वो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और जहां उधर से तवज्जो हटी अल्लाह के वली समझते हैं कि हम गुनाहे कबीरा के मुर्तकी हो गए। इसी वजह से तो कई वाकयात आपको मिलेंगे। खुद आप देख ले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जब नारे नमरूद मैं आपको डालने का वक्त आया तो क्या उस वक्त हजरत जिब्रील तशरीफ नहीं लाए थे और नहीं कहा था हल का हाजतुन या जिब्रील या खलील या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं। तो उन्होंने अर्ज किया, अगर हाजत रब से है तो उसी से बयान कर दो। तो फरमाते उससे क्या बयान करूं, वो तो सब जानता है, वो तो सब जानता है। ये ऊंचे दर्जे के जो लोग होते हैं उनका मकाम ये होता है, वो अल्लाह की मोहब्बत में इतने डूबे हुए होते हैं, इतने डूबे हुए होते हैं कि हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह की तलाश में निकला लेकिन कमोबेश 52 साल की उम्र में हजरत ने फरमाया था कि मैं अल्लाह की तलाश में निकला हूं लेकिन मेरी उम्र अगर आप देखें तो सिर्फ 2 साल है। तो लोगों ने पूछा वो कैसे, तो फरमाते हैं मैं 50 साल तक अल्लाह को तलाश करता रहा लेकिन जहां जहां गया वहां खुद को मैंने पाया, लेकिन 2 साल से ऐसा मामला हुआ है कि जहां मैं जाता हूं खुदा को पा लेता हूं। और अल्लाह ने भी बता दिया कि मुझे पाना हो तो यकीनन मैं तुम्हें कहां मिलूंगा,
अल्लाह ने पता बता दिया, फरमाया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब के दर पर अगर पहुंच कर तुम अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगो और महबूब भी तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे तो तेवर देखिए कुरान का, लवजदुल्लाह अल्लाह को जरूर पालोगे। किस हाल में पाओगे? बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान पाओगे। कहीं जलाल पा सकते हो लेकिन दरे मुस्तफा पर रहीम पालोगे, दरे मुस्तफा पे तवाब पालोगे। पता बताया खुदा कहां मिलता है? और यहां ये भी बता दूं, आज तक तकवा के बारे में सुनते रहे कि तकवा अल्लाह से डरने का नाम, यकीनन अल्लाह से डरने का नाम, इसमें कोई इनकार की बात नहीं, लेकिन अल्लाह किन दिलों को तकवा के लिए चुन लेता है? तकवा के लिए अल्लाह किस दिल का इंतखाब करता है? कुरान से समझो, कुरान ने वाज़ह लफ्जों में कह दिया वो लोग जो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए चुन लिया है, चुन लिया है अल्लाह ने। तो अदबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी अजीम चीज है कि सबसे बड़ा तकवा ये है कि अल्लाह बारगाहे मुस्तफा, अल्लाह बारगाहे मुस्तफा का मुअद्दब बना दे, और जो अदब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा ले बजा लाए, अल्लाह उनके दिल को तकवा के लिए चुन लेता है। ये कुरान शरीफ से साबित है। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना ये कबीरा गुनाह है। तो फिर आगे बड़े हजरत आनफ बिन कैस कि चलो यहां भी मैं अपने आप को नहीं पाता और देखूं कि मैं कहां हूं, तो पहुंचते हैं कानू कलीलम मिन अल्लैल यहजऊ वबिल असहार हुम यस्तगफिरून। अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं रात को बहुत थोड़ा सोते हैं और सहरी के वक्त रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगते हैं, कहते मैं यहां भी खुद को नहीं पाता हूं। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सुबह तक पिक्चर देख रहे होते हैं, जो सुबह तक न जाने क्या क्या देख रहे होते हैं, वो अल्लाह वाले जो रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह से मगफिरत की दुआ किया करते थे, हजरत अहनफ बिन कैस जैसे लोग जो जरीर कद ताबई हैं वो भी ऐसा करते थे, लेकिन वो मुस्तकिल करने वालों के मुकाबले में अपने आप को नहीं पाते थे। तो फरमाया मैं यहां भी अपने आप को नहीं पाता। अब वो कहां अपने आप को उन्होंने पाया, मैं उस आयत का तस्करा बाद में करता हूं, अभी आपको और हमको हम खुद देख लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह वाले की बात हुई ना। अब हम खुद को तलाश करें कि हम कहां हैं। पढ़ते हैं ना नमाज, आइए अपनी नमाज को हम देखें और मुनाफिक की नमाज को देखें और फिर उसके बाद अंदाजा लगाएं। मुनाफिक की नमाज का जिक्र जब कुरान ने किया तो कहा इज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाला,
वो जब नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ बिल्कुल मरे दिल से एकदम थके मानते अंदाज के अंदर, ये मुनाफिक की नमाज भी। अगर हम चाको चौबंद होकर नमाज पढ़ते हैं, सुस्ती के बगैर नमाज पढ़ते हैं तो मुबारक हो, लेकिन अगर ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि बस जल्द जल्द फारिग होकर के फिनिश होकर के फ्री हो जाएं और इमाम साहब सलाम फेरे और सीधा भागे मस्जिद से और रकात थोड़ी सी तवील इमाम साहब कर दें तो फिर उसके अंदर शिकायत शुरू हो जाए, नमाज में मजा ना आए, ये सारी चीजें हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। कहीं ऐसा ना हो कि निफाक की अलामत में से एक अलामत हमारी जिंदगी में पाई जाती है। अब आइए मोमिन की नमाज कैसी होती है। तो कुरान ने कहा कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। मोमिन की जो नमाज होती है वो नमाज के अंदर बिल्कुल खुशू और खुजू इख्तियार किए हुए होता है, नमाज के अंदर उस पर रिक्तत तारी होती है, नमाज के अंदर उसकी ऐसी कैफियत होती है कि उसमें खुशू होता है, खुजू होता है, है नमाज में ऐसा। हमारा हाल तो नमाज में ये होता है कि न जाने कहां की सैर कर रहे होते हैं और नमाज के बाद आप जानते हैं अल्लाह ताला चार किस्म के लोगों को नापसंद फरमाता है, उनमें से एक वो शख्स यह जिक्रा लिज़ाकिरीन में फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह हदीस मुबारक नकल फरमाई है। आज ये सबक लेकर के उठो, फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल्लाह चार किस्म के लोगों को नापसंद फरमाता है, उनमें से एक वो शख्स जो बिला जरूरत नमाज में हाथ पैर को हर कर देता, अरे यूं कर रहा है ना, ऐसा कर रहा है ना, कपड़े ठीक कर रहा है, उधर देख रहा है, और यहां तक अतरगीब अतरहीब के अंदर एक कॉल मेरी नजरों से गुजरा जिसमें फरमाया गया जो नमाज की हालत में इधर उधर देखता है तो गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे मुझसे भी कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है। हम अपनी नमाजों का जायजा लेंगे और थोड़ा आगे बढ़े, चलिए कुरान की रोशनी में अपने ईमान का भी जायजा लेंगे। देखिए अपने ईमान को, कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ। मोमिन तो वही है जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। और जब आयात तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करता है। इस आयत की रोशनी में अपने ईमान का भी हम जायजा ले लें, देख लें कुरान की रोशनी में हमारा ईमान कैसा है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारा हाल ये है कि जुम्मा के खिताबात हों, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के खिताबात हों, इज्तिमाआत के खिताबात हों, दिल पर असर नहीं करता। कितनी जिंदगियां लोगों की बदली हैं इल्ला माशाल्लाह, मुझे बताएं आप। बुराई करने वालों की तादाद बढ़ रही है, ड्रग्स सप्लाई करने वालों की, पीने वालों की तादाद बढ़ रही है, और ठीक है मस्जिद में भी नमाजियों की तादाद बढ़ रही है। सवाल ये पैदा होता है ये नसीहतें असर क्यों नहीं कर रही।
भाई कहने वाला कहता है तो अल्लाह की किताब से कहता है, अल्लाह के रसूल के इरशाद को सुनाता है, फिर दिल पिघलता नहीं है। तो कुरान कहता है नसीहत हर किसी को असर नहीं करती और नसीहत का नफा हर किसी को नहीं पहुंचता। वज़ाकिर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ाउल मुमिनीन, नसीहत करो कि नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाती है। पता चला जो ईमान हमारे अंदर है वो कामिल ईमान नहीं है, और जब कामिल ईमान हो तो नसीहत सुनाने वाले से ही नहीं, दीवार पर लिखी हुई नसीहत को पढ़ करके भी आदमी असर कबूल कर लिया करता है। ईमान कमजोर है, और कैसा कमजोर है ये भी थोड़ा सा बता दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस इरशाद की रोशनी में भी जरा अपना ईमान देख लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम में का मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, या तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। अगर मैं अपने लिए जो चीज पसंद करता हूं वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करूं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में मैं कामिल मोमिन नहीं। आज एक भाई अपने भाई की तरक्की नहीं देख सकता, एक भाई अपने भाई का अच्छा नहीं देख सकता। मुझे याद आ रहा है आप ही के इलाके के यानी हैदराबाद दक्कन के एक बुजुर्ग मिर्जा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने एक रोज उनसे अर्ज किया कि हुजूर मुझे कोई मदीने शरीफ का वाकया बताएं। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी शफकत फरमाते थे मुझ पर, और उनकी लिखी हुई नात इतनी अजीम नात थी कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अले रामा मुवाजे अक्दस पर ये नात पढ़ा करते थे, उनकी लिखी हुई नात। तो मैंने एक रोज उनसे अर्ज किया कि हुजूर कुछ मदीने की बात सुनाए, तो इरशाद फरमाते मौलाना जब उन्होंने फरमाया तो उस वक्त की बात बता रहा हूं, अभी तो 60-70 साल हो गए होंगे कम उबेश उस वाक्य। उन्होंने कहा मौलाना 35 साल पहले की बात है, मैं मदीने शरीफ में एक दुकान पर बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त की उसकी कपड़े की दुकान थी, बैठा हुआ था मैं, एक साहब कपड़े का सैंपल लेकर के आए और आकर उन्होंने दुकानदार से कहा मुझे ये कपड़ा चाहिए, कई हजार मीटर मुझे मदीने में लोगों में तकसीम करना है। तो उस शख्स ने कहा भाई साहब ये कपड़ा है तो सही मेरे पास लेकिन आपको नहीं दूंगा। तो वो शख्स परेशान हुआ, उसने कहा मुझे कैश में चाहिए, मैं ऐसे बांटने के लिए फ्री में मांगने नहीं आया, मैं आपको कैश पैसा देता हूं, मुझे दे दीजिए अगर आपके पास है तो। कहा नहीं मैं आपको नहीं दूंगा। कहा बाबा वजह क्या है? अब जवाब सुनिए, ईमान समझो आप। फरमाते देखो ये बाजू में जो दुकान आपको नजर आ रही है ना कपड़े की, कहा हाँ। कहा उसका सुबह से कोई धंधा नहीं हुआ है और ये कपड़ा उसके पास मौजूद है, अगर तुम उससे ले लोगे ना तो उसका भला हो जाएगा। ये है ईमान। है हमारी कैफियत ये जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर नहीं होता, इसलिए कि दिल के अंदर पुख्ता ईमान नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं ऐसे। अभी परसों नरसों मैंने एक मैसेज पढ़ा, आपको जानकर हैरत होगी, एक इस्लामी मुल्क का मैसेज, एक रेस्टोरेंट है जो शबाब पर चल रही है, शबाब पर चल रही थी मैं होटल, किसी मुसलमान ने सोचा कि मैं भी इसके बाजू में अपनी होटल खोल लूं तो मेरी भी होटल शबाब में चलेगी। इस नियत से उसने होटल खरीद ली, एक जगह खरीद ली उसने, और वह होटल चालू करने का प्लान बनाया।
जब उसने होटल की तैयारी शुरू कर दी तो जिसकी शबाब पर होटल चल रही थी उसने दूसरे ही दिन होटल बंद कर ली, दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी का भला चाहे। अब पड़ोस में मेरा भाई होटल खोल रहा है, मैं उसका भला चाहते हुए अपनी होटल आज से बंद कर रहा हूं। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कौन क्या कह रहा है इसको मत देखो, कुरान क्या बता रहा है उसे देखो। ये अलग मौजू है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान सही मानों में दिखाता है और न देखने वालों में मुसलमान है और देखने वालों में काफिर है। और काफिर सिर्फ मोमिन को नहीं, कुरान सिर्फ मोमिन को नहीं काफिर को भी दिखाता है, और काफिर देख रहे हैं इसमें कुरान, मोमिन नहीं देख रहे। जितनी साइंसी तहकीकात हो रही है वो कुरान को बेस बनाकर काफिर कर रहा है। मुसलमान तो गेम खेलने से फुर्सत ही नहीं पा रहा। और कुरान की आयत की रोशनी में बताऊंगा कि अल्लाह काफिरों को दिखा रहा है, दिखा रहा है काफिर को, देख रहे हैं काफिर लोग। बड़ी माजरत के साथ एक बात अर्ज कर दूं, शायद मेरा वक्त भी खत्म होने के करीब है, लेकिन वहां आऊंगा। हजरत आनंद बिन कैस ने कहां खुद को पा लिया था, उधर मैं आऊंगा, वो बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर बुरा न लगे तो एक बात बताऊंगा, आज के मोमिन को जैसा, ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, जैसा अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर यकीन होना चाहिए ना, वैसा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झूठ बोलने से सौदा बिक तो जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे अमलियात के बारे में, बहुत सारी दुआओं के बारे में हुजूर ने फरमा दिया, आला हजरत सुभान अल्लाह, कितना यकीन था हुजूर के फरमान पर। समंदर के तूफान को देखकर भी यकीन के अंदर जलजला पैदा नहीं होता। सब कफन की तैयारी कर रहे हैं और इमाम अहमद रजा इत्मीनान से बैठे बैठे, वो यकीन था उनका। एक सदी के गुजर जाने के बावजूद भी उनका फैज आज भी जारी और सारी है, यकीन था अल्लाह के रसूल पर। ये भी एक अलग टॉपिक है कि यकीन पैदा कैसे होता है। आज मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं, अल्लाह उसके रसूल के इरशाद पर जितना यकीन होना चाहिए नहीं है उतना यकीन, कमजोर हो चुका है। लेकिन ये बात बताऊं, काफिर को यकीन, काफिर को यकीन, अबू लहब जैसे काफिर को भी हुजूर के फरमान पर यकीन था, इसीलिए अपने बच्चे को पहरे में रखता था कि कोई खा न जाए, कोई कुत्ता मेरे बच्चे को बताना, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता मुसल्लत कर दिया है। और हुआ वही जो हुजूर ने फरमाया था। और मेरा ये चैलेंज है पूरी दुनिया के मुसलमान, चैलेंज तो नहीं, एक गुजारिश है मेरी पूरी दुनिया के मुसलमानों को, अगर हुजूर के सारे फरमान पर पुख्ता यकीन कर लो तो दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। यकीन कर लो, ये नहीं कि साइंस कह रही है। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ फरमाए मिजाज ऐसा बन गया, अगर कहा जाए बैठकर तीन सांस में पानी पियो तो जल्दी हलक के नीचे बात नहीं उतरती, और फौरन टीवी पर कोई साइंसदान आकर के खड़े रहकर पानी पिएंगे तो अटैक होगा, ये बीमारी होगी। अच्छा, अब तो बैठकर ही पीना चाहिए, ये हाल हो गया। तो तुम्हें साइंसदान पर यकीन है, हुजूर पर नहीं। अरे साइंसदान तुम्हारा क्या भला चाहेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना तुम्हारा भला चाहेगा। अब आइए, हजरत आनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहां खुद को पाया, कहां पाया हुआ? पढ़ रहे हैं कुरान, तलाश कर रहे हैं खुद को कुरान में,
पहुंचते हैं इस आयत पर वह आखरूना तरफू बेजुनूबिहिम खलतु अमलन सय्या व आखरा सय्या असल्लाहु अय्यतुब अलैहिम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। बस यहां पहुंचे आंखों से आंसू निकल गए, मौला मैंने खुद को पा लिया। ये कौन कह रहा है? हजरत आनब बिन कैस कह रहे हैं। क्या मफहूम है इस आयत का? वाखरू नअतरफु बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सय्या खलतु अमलन व आखर सय्या औ कमा काल। वो उनमें से एक जिन्होंने एतराफ कर लिया, किस चीज का? गुनाहों का इकरार कर लिया। गज़वे तबूक के मौके की बात है। उस मौके पर सहाबा ने हुजूर की बारगाह में जो गज़वे तबूक में शरीक नहीं हुए थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हुजूर ये हमारे हमसे गलती हो गई, हम गुनाह का इकरार करते हैं। अब उनकी कैफियत क्या थी? तो कुरान कहता है खलत मलत वाली पोजीशन थी, कुछ अच्छे काम थे, कुछ गुनाह थे। गुनाह से मुराद ये हुजूर के साथ साथ गज़वे तबूक में शरीक नहीं हुए। तो अब ये चीज को नेकी भी गुनाह भी, एतराफ़ गुनाह नेकी भी और गुनाह भी। कुरान कहता है अस्सल्लाहु अय्यतुब अलैहि, करीब है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा ले, वो अल्लाह से तौबा करे और बेशक अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों मिजाज अता किया हजरत आहनब बिन कैस रजी अल्लाह ताला ने, हजार तुम्हारे दामन पर नेकियां मौजूद हो लेकिन फिर भी ये सोचो कि मैं गुनहगार और अल्लाह से अपने गुनाहों का इकरार करते रहो, अल्लाह से अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होते रहो, ये ना सोचो कि मेरे दामन पर सिर्फ नेकियों के धब्बे लगे हैं, कुछ नेकियां ही मौजूद हैं बल्कि कुछ नेकियां होंगी कुछ गुनाह भी होंगे। अल्लाह से तौबा किया करो और बेशक अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरूरत इस अम्र की है कि हम खुद को अपने गुनाह का इकरार करने वाला माने, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, गुनाहों पर तौबा करें और कभी खुद को बहुत बड़ा पारसा तसव्वुर करने की कोशिश न करें। चाहे कुदरत की तरफ से हजार हार नेकियों की हमें तौफीक नसीब हो जाए, हजरत आनब बिन कैस रजी अल्लाह तआला को तौबा उसकी शान गफारी और उसकी शान रहमत पर भरोसा कर रहे हैं और साथ ही साथ नेकियों के पहाड़ होने के बावजूद भी अपने आप को मुजरिम और गुनहगार की हैसियत से इकरार करते नजर आते हैं। आखिरी बात दर्ज कर दो, गालिबन हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह या हजरत बायजिद बुस्तानी अलैह रहमा का वाकया है। शहर में कहर पड़ा बगदाद की सरजमीन पर, बारिश नहीं हो रही थी, लोग पहुंचे, हजरत आप मुस्तजाब दावा थे, चल करके दुआ करने, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला बारान रहमत नाजिल फरमाएगा। फरमाया रुक जाओ बारिश होगी लेकिन मुझे पहले शहर से निकल जाने दो, इसलिए कि बेटा तुमको मालूम है गुनाहों की वजह से और गुनहगारों की वजह से बारिश रुक जाती है और रूए जमीन पर मुझसे बड़ा गुनहगार कोई दूसरा नहीं। और ये कहकर सिर्फ ऐसा नहीं कि सामने वाले को तसल्ली दे रहे हैं, शहर छोड़कर चले गए, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ,
क्यों नुज़ूल हुआ, क्या वो गुनहगार थे? बंदे की आजिज़ी मेरे मौला को पसंद आ गई कि नेकी करने के बावजूद भी अपनी नेकी पर नहीं मेरी बारगाह में आजिज़ी कर रहा है। और ये बात याद रखना, आजिज़ी से बंदे को अल्लाह बुलंदी अता करता है, और सजदा है ही इसीलिए, नमाज है ही इसीलिए, ताकि बंदे के अंदर आजिज़ी पैदा हो, तकब्बुर पैदा ना हो। अल्लाह वाले नेकियां करके भी खुद को गुनहगार तसव्वुर करते थे और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। हमारा दामन तो गुनाहों से मुकम्मल आलूदा है, मुकम्मल गुनाहों में डूबे हुए हैं, और उसके बावजूद भी पता नहीं हम क्या समझते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अगर कयामत में मौला फरमाए मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो डरता हूं कि वो एक मैं ही ना हूं। ये कौन कह रहा है जो यारे गारे मुस्तफा है? और उम्मीद का मामला ये है कि अगर अल्लाह कयामत में कह दे मैंने सबको जहन्नम में डाल दिया सिवाय एक के, तो उम्मीद करता हूं कि वो एक मैं ही होगा। न खौफ का दामन छूट रहा है न उम्मीद का। बदलो मुसलमानों अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, कुरान में खुद को ढूंढो, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात हो तो उसे अच्छी तरीके से गुजारो, दिन अच्छी तरीके से गुजारो, निगाहों की हिफाजत करो, गुनाहों से दामन को बचाओ, और ये जुमला जिंदगी भर महफूज कर लो। अगर अल्लाह सजदों ही की तौफीक अता फरमाए, तिलावत ही की तौफीक अता फरमाए, इबादत ही की तौफीक अता फरमाए, तब भी खुद को बड़ा आबिद न समझना, इसलिए कि जब तक खातिमा ईमान पर नहीं होता उस वक्त तक कोई बंदा कामयाब तसव्वुर नहीं किया जाता। हमेशा डरते रहे, हमेशा डरते रहे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम से फरमाया कि मैं जब भी इसराफील को देखता हूं कभी हंसते हुए नहीं देखता, कभी इसराफील को मैंने हंसते हुए नहीं देखा। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अर्ज करते हैं, सरकार जब से अल्लाह ने जहन्नम पैदा फरमाया है ना, तब से इसराफील ने हंसना ही छोड़ दिया। हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं, किस रास्ते के मुसाफिर? तो आज के इस अज़ीम-ओ-शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा में मेरा पैगाम ये है कि कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। ये दुनिया है, ये दुनिया है, आपने देख लिया अभी जलजला आया, किसी को कुछ खबर नहीं। ऐसे ही एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो तुर्किया का और सीरिया का थोड़ा सा मामला हुआ, इलाकों का मामला हुआ, लेकिन एक जलजला ऐसा आएगा जिसमें मुर्दे बाहर आ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बस एक तारीखी जुमला अर्ज़ करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। फना होने वाली दुनिया से मोहब्बत करने की बजाय बाकी रहने वाले रब से मोहब्बत करो, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।